नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97141385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट टी जी टी पी जी टी एल टी यूपी कांस्टेबल एसएससी एएनएम लेखपाल एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहें वो 97141385 पर संपर्क करके अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से विभिन्न जगहों पर कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर करने के लिए जो हमने आपसे कहा था कि बीएसटीसी राजस्थान वाली हाई कोर्ट के जो है आदेश को बीएड अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करके अपना पक्ष जो है रखने के लिए कहा है और इनका पक्ष वो 14 फरवरी तक रखा जाएगा, उसके बाद 22 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों का ये अपना नीतिगत मामला होता है कि वह किन डिग्रियों को प्राथमिक स्तर पर नियुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि राज्य की सरकारें वही तय करती हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए किस डिग्री को अर्ह किया जाए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने ही बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक लेवल पर बाहर जो है शामिल कराया था, तो जाहिर सी बात है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों के साथ है और आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार संसद में इस चीज को पारित करा चुका है, तभी एनसीटी ने आज्ञा पत्र जारी करके संपूर्ण देश में एक समान कानून लागू किया था और एनसीटी के आदेश को भारत के सभी 28 राज्य और जो मतलब आपके केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाता है। तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, विजय आपकी होगी और किसी भी तरीके से बीएड के अभ्यर्थी वो जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किए जाएंगे, खासतौर पर तो उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में ना आए, चुपचाप अपनी तैयारियों में लगे रहें। आगे हम चलते हैं और बताते हैं आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आज लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 10 से 12 फरवरी के बीच में एलटी और जीआईसी का विज्ञापन, वो जितने पदों का अध्याचन उन्हें प्राप्त हुआ है उन पदों पर उनको अध्याचन के साथ में आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ अप्रैल लास्ट वीक में आपकी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल तक ये एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा वो प्रस्तावित है, संभावित है, आपकी परीक्षा इतने टाइम पे हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ आपकी एसडीआई की भी वैकेंसी पीसीएस की वैकेंसी के साथ एक नया विज्ञापन उसके लिए जारी किया जाएगा जो कि आपको आवेदन करने का उसमें भी अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के लिए भी आज चयन बोर्ड में मीटिंग चल रही है और नए विज्ञापन आदि को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। उसके पहले समायोजन आदि का मुद्दा भी उसमें शामिल है, समायोजन आदि के मुद्दे को लेकर के और जो संशोधन आदि हुए हैं ताकि किसी भी तरीके का जो मतलब भावभेद न रहे उसके लिए संशोधन आदि पर भी विस्तृत गहन मंथन किया जा रहा है। सिलेबस आज में परिवर्तन करना पड़ेगा और सारी चीजें वो आपको जो है वो नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगी। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लगभग 10,000 से अधिक पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ आपके लगभग 12,000 पद वो तदर्थ शिक्षकों के इसमें ऐड किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो भी आपका मामला है, आपके साथ केंद्र सरकार खड़ी है, आपके साथ राज्य सरकार खड़ी है, तो आपको निराश या हताश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कीमत पर बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किए जाएंगे। ये बात और है कि नीतिगत मामलों में ये राज्य सरकारों का विशेषाधिकार होता है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और इस पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, लेकिन जो कानून कहीं पे प्रतिस्पर्धी हो जाता है उस कानून पर राज्य सरकार के अपेक्षा केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था को कानून को मान्य किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार इन्हीं संबंधों को लेकर के अपना क्लियरिफिकेशन दे दिया है। अब उसी आदेश का उनको विश्लेषण करना है और एनसीटीई को और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ये बातें स्पष्ट करनी है कि वह बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर पर शामिल करना चाहते हैं अथवा नहीं। आप निश्चिंत रहें, केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बीएड अभ्यर्थियों के साथ है। आप 22 लाख की संख्या में हैं तो आपके साथ अन्याय कदापि नहीं होगा। आप किसी भी चीज को लेकर के परेशान बिल्कुल भी ना हों।
आप अपनी तैयारियों में लगे रहें, जुटे रहें, क्योंकि इस बार सुपर टेट का जो विज्ञापन है वो आपको बहुत लंबा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। अतः आप तैयारी में किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें, क्योंकि कोताही आपकी तैयारी पर बहुत भारी पड़ सकती है। याचिका आदि के लिए जो विद्यार्थी वो थे उनमें याचिका में डायरी में उनका जो है नोट हो गया है नाम, और याचिका लिस्ट में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया चल रही है। उसके साथ ही साथ जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी याचिका पे सुनवाई आदि भी लगेगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, बहुत ही जो है मतलब सार्थक तरीके से उस पर बहस की जाएगी और आप लोगों को लाभ दिलाने का पूर्णतः प्रयत्न किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें, लगे रहें, रमे रहें, ताकि आपको इस बार सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए और उस सफलता के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।